नमस्कार, मैं हूं अविनाश पाठक। आईबीसी 24 की खास पेशकश जन कारवा में आपका स्वागत है। तो जन कारवा का मंच आज पहुंच चुका है जसपुर, और जैसा कि आपको पता है कि आईबीसी 24 का जन कारवा एक ऐसा मंच है जिसके जरिए हम जनता के बीच जाने की कोशिश करते हैं, जन सरोकार से जुड़े मुद्दों को तलाशने की कोशिश करते हैं, जन समस्याओं को सरकार तक पहुँचाने की कोशिश करते हैं। तो आज इसी मंच के जरिए हम जसपुर में पहुंचे हुए हैं। मैं आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में प्रभु श्रीराम के कदम जहां जहां पड़े थे, जिन रास्तों पर से होकर प्रभु श्रीराम गुजरे थे, उन रास्तों पर एक ओर जहां राम वन पथ कमन बन रहा है, तो उन्हीं रास्तों पर प्रभु श्रीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए जसपुर तक हम पहुंचे हुए हैं। सुराज की तलाश में आईबीसी 24 की टीम निकली हुई है, और इन रास्तों पर चलते हुए हम ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के लोगों ने सुराज का जो सपना देखा था, वो सपना कितना पूरा हुआ है, विकास के पायदान पर छत्तीसगढ़ कितना आगे बढ़ पाया है, समस्याएं कितनी सुलझी हुई हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए, जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इस क्षेत्र की तमाम जनता यहाँ पर मौजूद हैं, हर एक वर्ग के लोग यहाँ पर मौजूद हैं, और वो लोग भी मौजूद हैं जिस पर जिनके कंधों पर यहाँ की जनता ने विकास की जिम्मेदारी सौंपी है। तो उन सभी लोगों से हम बात करेंगे और यहाँ के मुद्दे तलाशने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मैं आपको बता दूं कि सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत आईबीसी 24 हर जगह पर एक अभियान चला रहा है, मतदाता जागरूकता अभियान, जिसके तहत हम न सिर्फ जाकर वहाँ के मतदाताओं को प्रेरित करते हैं, बल्कि हम लोगों से ये अपील करते हैं कि वो मतदान जरूर करें। तो इसके पहले कि ये कार्यक्रम हम शुरू करें, आप सभी से मैं अपील करूँगा, एक छोटा सा कार्यक्रम है हमारा जिसमें हम शपथ ग्रहण करेंगे मतदान करने की। तो आप सभी अपनी अपनी जगह पर खड़े हो जाएंगे और मेरे साथ शपथ को दोहराएंगे, अपना दाहिना हाथ आगे करके मेरे साथ दोहराएंगे। हम भारत के लोग ये शपथ लेते हैं कि जाति धर्म और संप्रदाय से परे हटकर लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान अवश्य करेंगे, दूसरों को भी मतदान के लिए प्रेरित करेंगे। धन्यवाद, बैठ जाएंगे वो अपनी जगह पर आप लोग। तो आईबीसी 24 का जन कारवा जसपुर पे पहुंच चुका है, और आज फिर से हम स्थानीय मुद्दों को लेकर बात करने का प्रयास करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ क्षेत्र की समस्याएं हैं जो इन 4.5 सालों में सुलझ पाई हैं, क्योंकि चुनावी साल है और वक्त आ गया है ये जानने का कि जो वादे यहाँ के नेताओं ने किए थे और जिन वादों पर भरोसा करके आपने उन्हें चुना था, वो भरोसा कितना पूरा हो पाया है। तो जनता की नब्ज टटोलेंगे सीधे सीधे। लेकिन इसके पहले आपको जसपुर के बारे में बता दूं कि जसपुर जिले की बात करें तो 3 विधानसभा सीटें हैं, जसपुर, कुनकुरी और पत्थलगांव, और फिलहाल इन तीनों सीटों पर कांग्रेस काबिज है। तो इस लिहाज से चूंकि सरकार कांग्रेस की है, विधायक कांग्रेस के हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है कि पहले हम सीधे उनसे पूछें कि वो अपने आप का आकलन कैसे करते हैं। इन 4.5 सालों के कार्य की बकाल की बात करें तो क्या कुछ काम उन्होंने किया है, जो वादे उन्होंने किए थे वो कितने पूरे हुए हैं। जसपुर के विधायक जी हमारे पास, सीधा सवाल आपसे विधायक जी, 4.5 साल हो गए, जनता पूछ रही है क्या किया है आपने। आज जसपुर की जनता बहुत खुशहाल है, आयों कहूँ मैं, जसपुर प्राकृतिक सौंदर्य से भरा जसपुर, सुंदर जसपुर, बस थोड़ा सा सजाने और संवारने का जरूरत था, जो काम हमने किया है। आज मैं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनकी नज़र जसपुर में विशेष रूप से है। आज जसपुर के जो पुलिया वगैरह, जो सालेकेरा पुलिया की मैं बात करूँ, तो आज वो लकड़ी का पुलिया था, वो सालेकेरा का पुलिया आज लकड़ी का पुलिया से बहुत लंबा चौड़ा उच्च स्तरीय पुलिया बनकर तैयार है। और मैं बात करूँ खरसोता बुमतेल मार्ग पर पुलिया निर्माण 9,32,00,000 रुपया का सुंदर लंबा चौड़ा पुलिया बनकर तैयार हो गया है। आज पुलिया लोग देख रहे हैं। आज अगर मैं सन्ना क्षेत्र की बात करूँ तो बमनी पुलिया 3,47,00,000 रुपए का, और खकरा बिरासी का बात करूं तो सूर्यनाला नकटीदाह पे 6,36,00,000 रुपए का पुलिया बनके तैयार है। डोड़ के नदी में बात करूं तो पंडरी पानी जरहा टोली में 6,50,00,000 रुपए का पुलिया बनके तैयार है, और जगह जगह पे रोड बन रहा है। करम टोली आज ही मैं कोड़गा कोना में जाके पुलिया का भूमि पूजन करके आया हूँ। और बहुप्रतीक्षित मांग थी जो सन्ना क्षेत्र, जो सोनक्यारी और हर्रापाट का क्षेत्र है, 6 तारीख को मैंने भूमि पूजन किया और वो बहुत जल्दी लोगों को सौगात मिलने वाली है। 11.5 करोड़ रुपये का रोड बनेगा, और बहुत सारे चीज़ें हैं यहाँ पे। एस्ट्रोटर्फ जो था वो 15 सालों से पेंडिंग था, उसको मैंने अभी 2019 में कंप्लीट कराया है, 15 साल नहीं हुआ काम। तो बहुत सारे चीज़ें हैं, और सामुदायिक भवन में
आज छत्तीस समाज के लोगों को मैं सामुदायिक भवन देने का काम किया हूं। पुल पुलिया की बात कर रहे हैं विधायक जी, आपके विधानसभा क्षेत्र में एक तस्वीर सामने आती है 4 महीने पहले की, मनोरा में आपका पीएसओ जो है वो खुद आपको गोद में लेके जाता है। क्या उस इलाके में पुलिया नहीं बन पाया, क्या वो इलाका छूट गया, क्यों कुछ इलाके में नजर आता है विकास, कुछ इलाके में नजर नहीं आता है? अभी वो पुलिया मतलोंगा का पुलिया है, बहुत ही सुंदर, वहां पर मतलोंगा में एब नदी में पुलिया बनेगा, वो बजट में जोड़ दिया गया है। पहले क्यों नहीं बनाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, पहले क्यों नहीं बनाए, इस दिशा में क्यों नहीं सोचे? और मैं अभी बजट में शामिल करवाया हूं, बहुत जल्दी पुलिया का सौगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये जो बात है, जो समस्या है, वो सुलझे, प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। विपक्ष भी यहाँ पे मौजूद है, क्या कहेंगे? ये तो पूरे लिस्ट रखे हुए हैं विकास कार्यों की, क्या सारा विकास जसपुर में हुआ है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो एस्ट्रोटर्प की बात कर रहे हैं, 2015 में विष्णु साय जी के अनुशंसा से एस्ट्रोटर्प आया, उसका भूमि पूजन भी हुआ, हीरूराम निकुंज भी उसमें गेस्ट थे। और विकास पुलिया की बात कर रहे हैं, आज ईब नदी में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह थे। आप देखिए, महुआ पहुंच मार्ग में पुलिया, करडी में पुलिया, अलोरी में पुलिया, उकई भट्टा में पुलिया, तंबाकछार में पुलिया, पूरे जसपुर जिला ही नहीं, पूरे छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से पूरे पहुंच विहीन मार्ग को पहुंच विहीन बनाया गया है। ये जो विकास कार्यों की लिस्ट थमा रहे हैं, क्या लगता है पिछले कार्यों को गिना रहे हैं, क्या लगे? ये सारी पैसा केंद्र सरकार की पैसा है, एक भी पैसा छत्तीसगढ़ की नहीं है। ये बड़ा आरोप, सीधा जवाब, क्या ये केंद्र का पैसा है जिसका आप लोग अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं? गाय मेरा घास मेरी खाई, दूध मेरे घर में दी, दूध गर्म मैंने किया, थोड़ा सा जोरन डाला, दही तेरा। 35 साल से भारतीय जनता पार्टी ने जसपुर जिले का शोषण किया है, आदिवासियों का शोषण किया है, छात्रों का शोषण किया है, जवानों का शोषण किया है, बेरोजगारों का शोषण किया है। आज जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को छत्तीसगढ़ की जनता यहां से विदा करके एक कांग्रेस का पढ़ा लिखा विधायक को यहां बैठाती है, और कांग्रेस का विधायक जब एस्ट्रोटर्फ लोगों की शिक्षा के लिए, लोगों के रोजगार के लिए, लोगों के विकास के लिए जब काम करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होती है। अरे 10 पैसा देकर के नरेंद्र मोदी का तुम वाहवा करते हो, पूरा पैसा भूपेश बघेल की सरकार का है, छत्तीसगढ़ का पाई पाई का पैसा है जो छत्तीसगढ़ के लोगों का काम आ रहा है। यही भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रायगढ़ में रमन सिंह अधिवेशन में कहते हैं कि आप लोग 1 साल कमीशन लेना बंद कर दो, हम 15 साल तक वापस राज करेंगे, है ना? तो पैसे और वाहवाही का काम भारतीय जनता पार्टी न करे। कांग्रेस के विधायक 3 विधानसभा में काम कर रहे हैं, पूरे 71 विधानसभा में कांग्रेस के विधायक काम कर रहे हैं, माननीय भूपेश बघेल जी काम कर रहे हैं, है ना? उनके दम पे, विधायकों के दम पे आज छत्तीसगढ़ का नाम ऊंचा हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द क्यों होती है? आपके पास आएंगे, आम जनता के बीच भी जाएंगे, क्योंकि मैं देख रहा हूं जसपुर, जब आईबीसी 24 की टीम जसपुर पहुंची है, जन कारवा लगातार यहां पे करती रही है, सरकारें बदलती रही है, लेकिन समस्याएं वहीं की वहीं रहती है। रोडों की स्थिति, सड़कों की स्थिति वैसी ही है, धर्मांतरण बड़ा मुद्दा पहले भी था, अभी भी है, पुल पुलिया का निर्माण पहले भी नहीं हुआ था, अभी भी नहीं हुआ, क्यों सरकारें बदलती है लेकिन समस्याएं वहीं रहती है, क्यों? जी, सरकारें बदली और समस्या जस की तस है, और जिस प्रकार के विकास की बात यहाँ भी विधायक महोदय कर रहे हैं, और हमेशा जशपुर के 2 विधायक कुनकुरी और जशपुर के सौंदर्य की चर्चा करते हैं। अगर इनको जशपुर के सौंदर्य से इतना प्रेम है, तो ये बताएं कि उद्योग जशपुर में क्यों आने वाला है? टांगर गांव में स्टील प्लांट की योजना किसने लाई? टांगर गांव के लोग, गरीब माताएं अपने छोटे बच्चों को लेकर के पिछले 1 साल से हाथ में डंडा लेकर के उद्योगपतियों को भगाने का काम कर रही है। जशपुर के 3 विधायक, कौन विधायक उनके साथ जाकर के बोला कि हम जशपुर के सौंदर्य के साथ समझौता नहीं करेंगे और यहां स्टील प्लांट नहीं लगाएंगे? इससे भी ज्यादा उसी स्टील प्लांट के बगल में सोना के खदान की तैयारी हो रही है, जिंदल को जमीन देने की बात हो रही है, जशपुर के बॉक्साइट को खोदने का प्रयास, हर महीने में एक चिट्ठी जारी होती है और यह कहा जाता है कि बॉक्साइट खनन होगा। जनता जब डंडा लेके उठती है, तब इनका दिमाग खराब होता है, तब ये अपनी चिट्ठी वापस लेते हैं। क्या यही सौंदर्य है जशपुर की रक्षा करने के लिए? बड़ा सवाल है जिसको मुझे लगता है कि इसका जवाब मिलना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जसपुर की अगर पहचान है तो पर्यटन को लेकर, नेचर को लेकर पहचान है, लेकिन लगातार जिस तरह से उद्योगों की धमक हो रही है, इलाके के लोग उद्योगों की खिलाफत कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर ये आरोप लगते हैं कि वो उद्योगों के पक्षधर हैं, ये भी आरोप लग रहे हैं कि लगातार सरकारी जमीनों की रातों रात बिक्री हो रही है, क्यों इस तरह के आरोप लग रहे हैं, क्या इन आरोपों में विधायक जी कुछ सच्चाई है? इसमें कोई सच्चाई नहीं है,
क्या कहेंगे जो इस तरह की बातें लगातार आ रही हैं कि पर्यटन को लेकर कुछ काम नहीं हो रहे हैं, पर्यटन के नाम पे मनाली में सिर्फ गुब्बारे उड़ाए जा रहे हैं लेकिन जो पुराने जो पर्यटन क्षेत्र हैं उनको डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है, उद्योगों की स्थापना हो रही है, लोग विरोध कर रहे हैं लेकिन इसके बावजूद सरकार जो है वो कहीं ना कहीं उनका पक्ष लेती नजर आती है। मैं उद्योग के बारे में जरूर बता देना चाहता हूँ, माननीय साथी ने जो बात कही प्लांट को लेकर के, ये बात मुख्यमंत्री जी के तक आई जब जन चौपाल उनके द्वारा लगाया गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को बोला कि अगर ग्राम सभा में कोई प्रस्ताव पारित नहीं होगा तो वो प्लांट नहीं लगेगा, अगर जनता नहीं चाहेगी तो प्लांट नहीं लगेगा। बात हुई पर्यटन की तो आप लोगों ने कितना काम कर लिया, मैं बताना चाहता हूँ कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सारे विधायकों के द्वारा राम वनगमन पथ के माध्यम से पर्यटन क्षेत्र को बढ़ाने का काम किया जा रहा है और लगातार अच्छे से अच्छा काम किया जा रहा है। अगर इनको ये चीज़ नहीं नज़र आती तो मैं तो बोलना चाहता हूँ कि विनय भैया का FB ID को रोज खोल करके देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, हमारे विधायक जी काम कर रहे हैं इसमें निश्चित। चलिए, कामकाज का हिसाब मांगने के लिए यहाँ पे जनता ही है और कामकाज का हिसाब पूछने के लिए भी हम आए हैं। विपक्ष के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे? ये तो बोल रहे हैं कि तमाम तरह के विकास हो रहे हैं, हम पर्यटन को लेकर काम कर रहे हैं, हम किसानों को लेकर काम कर रहे हैं, क्यों इस तरह की बातें हो रही? ये छत्तीसगढ़ में ये सरकार बनाने से पहले ये छत्तीसगढ़ में 36 वादा जो किए थे उसमें से एक गिनती पूरा हुआ है वो बता दे। ये बेरोजगार की बात कर रहे हैं, यही सरकार जो सरकार बनने से पहले ये बेरोजगार भत्ता देने का बात किया था, आज 4 साल हो गया और अभी अभी लोग शुरू कर रहे हैं। ये चुनाव जैसे जैसे पहुंच रहा है वैसा वैसा ये यहाँ पर सारा योजना का घोषणा कर रहे हैं। बाकी यहाँ 2000 करोड़ शराब घोटाला इन्हीं सरकार ने किए, गंगा जल कसम खा के जो शराबबंदी करने वाले ये शराब घोटाला 2000 करोड़ का घोटाला दिख रहा है। स्थानीय मुद्दों पे हम बात करते हैं क्योंकि स्थानीय मंच है तो स्थानीय मुद्दों पर बात करेंगे। क्या कहेंगे, क्या कुछ समस्याएं सुलझ पाई है जसपुर क्षेत्र की? नहीं सुलझ पाई है। यहाँ पास जैसे ही लोग बोल रहे हैं कि विकास किए हैं, कोई विकास मेरे को नहीं दिख रहा है। ठकने का विकास किए हैं जो आज जनता को ठक रहे हैं। मैं बस इतना देख रहा हूँ, पैसा बांटने का और साड़ी बांटने का बात कर रहे हैं। विकास दिख नहीं रहा है, विकास को ढूंढने के लिए जनता अगले विधानसभा चुनाव में निकलने वाली है और विकास को देख के वोट करेगी, क्या कहेंगे? जी सर, मैं एक कर्मचारी हूँ शिक्षक के नाते। आज प्रदेश भर में कांग्रेस सरकार में कोई भी कर्मचारी आंदोलन करती है तो सरकार उनकी मांगे पूरी, चाहे पटवारी हो, सहायक शिक्षक हो, अनियमित कर्मचारी हो, क्या ये सरकार में आंदोलन करना गुनाह है? क्यों कर्मचारियों की मांगे पूरी नहीं हो रही? चलिए, और कुछ लोगों से हम बात करेंगे। युवा यहाँ पे मौजूद है, इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है, पलायन है, मानव तस्करी है, इन मुद्दों को लेकर क्यों सरकारें खामोश हो जाती है? सरकारें बदलती हैं लेकिन मुद्दे वही रहते हैं। स्थानीय समस्या में जो टेम्परेचर है यहाँ पे, सारे जंगल कट गए, 7 डिग्री 4-5 साल में टेम्परेचर बढ़ चुका है जसपुर का, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। जितने जंगल हैं बुरी तरीके से खत्म हो रहे हैं लेकिन कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं की जा रही है। कुछ और युवा हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? मुझे तो बड़ा दुख हो रहा है कि आज़ादी के 75 वर्ष होने के बाद भी हमारे कांग्रेस के विधायक पुल को विकास का मापदंड मान रहे हैं। विकास का मापदंड शिक्षा से होता है और ये अगर हम 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के तुलना में देखें तो छत्तीसगढ़ 34वां स्थान पर है, नीचे से एकदम नीचे के पायदान पर है। तो ये बड़ा दुख का विषय है कि विधायक जी को यही नहीं मालूम है कि विकास का मापदंड शिक्षा से होता है। और जो शराबी शिक्षक हमने देखा कि जसपुर के हर क्षेत्र में, हर स्कूल में शिक्षक शराब पीकर जाता था और वो किस प्रकार से उसका नतीजा छत्तीसगढ़ सरकार ने शराब घोटाले के एक बड़ा सवाल है, इस पे भी हम लेंगे क्योंकि लगभग 75 स्कूल इस क्षेत्र के हैं जो शिक्षक विहीन एकल शिक्षक हैं और जब इस स्कूल में शिक्षक अनुपस्थित होता है तो पूरे के पूरे स्कूल में ताला लग जाता है। इसका जवाब भी विधायक जी से लेंगे। कुछ और युवा, उनसे हम बात करेंगे। जी, मैं अभी आदरणीय विधायक जी, पढ़े लिखे विधायक जी से एक बात पूछना चाहूँगा कि आपका निवास घाघरा में है, कल मैं घाघरा से सन्ना गया था, आप हमको एक बात बताइए, जो एकदम कठिन काम था घाघरा ये पटिया घाट बनाना, पटिया घाट पर रोड कौन बनाया? और आप पटिया से जैसी चलिएगा अब पूरा जंगल काटा जा रहा है और जंगल काट करके खेत बनाया जा रहा है। आप अभी चलिए, आपके पटिया घाट से शुरू होगा और दबदरा तक कम से कम 50 एकड़ जमीन को, जंगल का जमीन को काट के ऊपर मैदान बना दिया गया, खेत बना दिया गया। इस बात को आपको, आप मेरा बात अगर गलत लग रहा है आप खुद जाके देखिए, यही विकास है क्या आपका? चलिए, कुछ और सवाल लेते हैं, कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, कुछ युवा भी हैं उनसे भी हम बात करेंगे। हाँ बताइए, क्या कहेंगे? सर, मैं कोमड़ों का रहने वाला हूँ, मेरा
मेरा गांव का एक विधायक था जगेश्वर राम भगत, वो आज तक 5 साल राज किया लेकिन वहाँ पे तो मुक्ति धाम बना नहीं पाया। ये कौन सा कैसा विकास कर रहे थे अब यही लोग बताएंगे। कुछ और लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। जी क्या कहेंगे? जो विधायक जी हैं मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि जो सरकार का कुल बजट 1,06,000 करोड़ है उसमें आपने अभी तक 20 करोड़ का ही गिनती गिनाया। अगर प्रत्येक जिला में देखा जाए तो 3,000 करोड़ होता है, बाकी का वो कहाँ गया? 12 करोड़ का जब घोटाला होता है उसमें उसी अधिकारी को उसी जगह पर पदस्थ किया जाता है। दिव्यांगों के साथ अनाचार होता है उसकी मुद्दा जो राष्ट्रीय मुद्दा बन जाता है उस पर अधिकारियों को जो कलेक्टर का तबादला हो जाता है और विधायक जी उसी को वहीं उस अधिकारी को पदस्थ वहीं पर करते हैं। ऐसी जो विधायकी को हम लोग क्या करेंगे बताइए। चलिए कुछ और सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि मुझे लगता है कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, क्यों जसपुर की सड़कें बन नहीं पाती हैं? जब लोग यहाँ से रायगढ़ जाते हैं तो जसपुर से रायगढ़ जाने के लिए उड़ीसा होकर गुजरते हैं। इस रोड से तो नेताजी भी गुजरते हैं ना, इस रोड से तो आम आदमी भी गुजरते हैं, इस रोड से बीजेपी के लोग भी गुजरते हैं, क्यों सड़कें वैसी की वैसी हैं? सीधा सवाल। देखिए मैं अगर जसपुर की बात करूँ खासकर तो आज जसपुर में सड़कों का जाल बिछ गया है। आप पंडरापाट क्षेत्र जाके देखें तो 28 का 28 रोड आज जिधर बजे आएंगे काला काला डामर से भरा हुआ रोड मिलेगा। अगर मैं सन्ना से लेके छछरी बहुरा से लेके पंडरापाट की बात करूं तो वो पूरा रोड बन के तैयार है। अगर मैं इधर बात करूं जसपुर से लेके पोरतेंगा तक का रणपुर तक का बात करो तो पूरा रोड बन के तैयार है। और आरा रोड बाद जाके देखिएगा, कहने में बहुत आसान लगता है, विपक्ष तो विपक्ष का धर्म निभा रहा है। थोड़ा गरीबा में झांक के देखिए तो पता चलेगा कि आज जसपुर के लोग पहली बार विकास को देख रहे हैं। साढ़े 4 सालों के कार्यकाल में और विपक्ष सिर्फ विपक्ष धर्म निभा रहा है, क्या कहेंगे? विपक्ष केवल विपक्ष धर्म नहीं निभा रहा है। आज मैं कांग्रेसियों को बताना चाहती हूँ, एनएच का जो राशि है केंद्र सरकार का पैसा है 1400 करोड़ भारतीय जनता पार्टी सरकार ने सैंक्शन कराया। आज पूरे पाट क्षेत्र में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से सड़क बनी है, केंद्र सरकार की योजना है। आज अगर विधायक जी बनाना चाहते हैं सुलेसा और महनई का सड़क में जाके भूमि पूजन करते हैं, आज तक सड़क क्यों नहीं बनती? वो भी केंद्र सरकार की पैसा है। हर्रा पाट में जो सड़क का भूमि पूजन किए हैं, मुझे लगता है विधायक जी भूमि पूजन करने की फोबिया हो चुके हैं, बिना पैसा का भूमि पूजन कर रहे हैं। और केंद्र सरकार की पैसा है, पूरी पैसा केंद्र सरकार की। ये तो आपके आंकड़ों पर सवाल उठा रहे हैं, ये तो सीधे आपके आंकड़ों पर सवाल है कि आप आंकड़े गिना रहे हैं, फोबिया की बात कही जा रही है। क्या भूमि पूजन सिर्फ कागजों में किया जा रहा है? देखिए हर काम धीरे धीरे हो रहा है। और जहां पे राय मुनि भगत जी अपने गांव कमई की बात कर रहे हैं तो हर्रा मोड़ से लेके कमई तक का रोड मैं बनवा रहा हूं, टेंडर लगा हुआ है, आपने क्यों नहीं बनाया? और सुलेसा से बुरजोड़ी का बात करते हैं तो अभी उसका भूमि पूजन नहीं हुआ है, झूठ बोलने में पब्लिक देखता है। आज हर जगह विकास की बातें हो रही है। आप लोग कागज में करते थे, आप ये जो आपका सालेकेरा का पुलिया दो बार पुलिया बना, लकड़ी का पुलिया था, उस चीज को भूल गए आप, उस दिन को भूल गए। और ये आपका लावा नदी में कभी इधर भूमि पूजन करते थे, कभी इधर करते थे। और आज जितने भी विद्युतीकरण, धनगरी जैसे रोड, धनगरी जैसे जगह में आज बिजली मैंने पहुंचाया है, सोनगेरसा में बिजली पहुंचाया है, पहाड़ी कोरवा कुरहा टेपना में, रंगपुर में, जाम टोली में, हर जगह बिजली पहुंच रहा है। आपका ये रजला मोटू, रजला तमिया डोब, अब पहाड़ी कोरवा क्षेत्र में आज बिजली पहुंच रहा है। आज जसपुर के लोग विकास देख रहे हैं, सन्ना से लेकर के सोनकारी के बीच में जो एक सड़क मिलता है 9 किलोमीटर का है ना, उस सड़क को भारतीय जनता पार्टी की सरकार में रमन सिंह जब मुख्यमंत्री थे और इनके राजेश मूणत पीडब्ल्यूडी के मंत्री हुआ करते थे, तो राजेश मूणत ने अपने फेसबुक में एक सिंगापुर की सड़क को अपने फेसबुक में पोस्ट कर दिया कि यह सड़क कंप्लीट हो गई है। उस समय इनको वो भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। आज जब जसपुर का एक पढ़ा लिखा विधायक जसपुर में जब सीएम साहब का दौरा होता है, लड़ करके उस सड़क को घोषणा करवा के स्वीकृत करवा करके 5 दिन पहले टेंडर लगवा देता है, अब सड़क का काम चालू होने वाला हो, इनको विकास नहीं दिख रहा है। भैया 15 साल में आप क्यों नहीं उस सड़क को करवा पाए? 15 साल में जब आपका राजेश मूणत उस सड़क को जब सिंगापुर का सड़क बता दिया तब आपने राजेश मूणत को आईना दिखाने का काम क्यों नहीं किया? चलिए कुछ और हैं, कुछ और युवा हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, वो भी बात करना चाह रहे हैं। जी बताइए। मेरा सवाल है कि पहले के विधायक
हमारे विधानसभा में हम लोग चुन के भेजते थे, वो लोग हम लोगों की आवाज को कितना बार रखे, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूँ। हमारे विधायक पे हमें गर्व है कि 163 क्वेश्चन करके हमारे क्षेत्र के लोगों को आवाज दिया है। हमारे के क्षेत्र के लोग आज विनय भगत को गांव गांव में जानते हैं। आज विनय भगत के नाम से पूरे विधानसभा क्षेत्र में काम चल रहा है। आप देख सकते हैं हर गाँव में देवी गुड़ी का निर्माण। चलिए चलिए चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। जी, ये जो बोल रहे हैं आवास दिए हैं, कौन सा आवास दिए हैं? प्रधानमंत्री आवास केंद्र का जो पैसा था मोदी जी का, उस पैसा को पूरे छत्तीसगढ़ में जब पूरे पैसा खा गए ये लोग। एक आदमी का आवास 2018 के बाद नहीं बना है, किस आवास की बात करते हैं लोग? पूरा भ्रष्टाचार, पूरा जितना काम हो रहा है सब में कमीशनखोरी, भ्रष्टाचार चल रहा है इनका। पूरा पैसा खा गए, वृद्धा पेंशन का वादा किए, एक 300 नहीं, पहले 300 मिलता था वो 300 भी नहीं मिल रहा है। किस चीज का वादा की बात करते हैं लोग? एक वादा पूरा नहीं किया। बेरोजगारी भत्ता की बात करते हैं, एक बेरोजगारी किसको बेरोजगार भत्ता मिला है पूछिए। कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, ये जो विकास की बात कही जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? जो विकास की बात कही, वास्तव में क्षेत्र का कितना विकास हुआ है? नहीं हुआ है क्षेत्र का विकास। जो पिछले 4-5 सालों की बात करें, समस्याएं कितनी सुलझ पाई हैं, क्या लगता है आप? नहीं सुलझा है, जो हुआ पहले ही हुआ है, इनके सरकार में कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ युवतियाँ भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे। ये बताइए, जसपुर क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट की बात करें, युवाओं के लिए क्या कुछ समस्याएं हैं जो नहीं सुलझ पा रही हैं? समस्याएं कितनी सुलझ पाई हैं इस क्षेत्र? अभी कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ तक कि रोजगार का जो दिया गया है उसका अभी दो मंथ हुआ है, जिसमें रोजगार भत्ता दिया जा रहा है। अभी तक उतना जितने भी स्टूडेंट हैं उनका प्रोसेस अभी तक हुआ नहीं है, जो कंप्लीट होना चाहिए था। चलिए चलिए, कुछ और लोग हैं, उनसे भी हम बात करने का प्रयास करते हैं। एक जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी बताइए। जी मैं कहना चाहूंगा, पत्थलगांव के जो विधायक वाला में है, लोग विकास विकास बोल रहे हैं, कभी पत्थलगांव की गली तरफ भी आकर के देखिए, रोड में हम लोग को चलना मुश्किल हो गया है। और पत्थलगांव में केवल विधायक के घर का ही विकास हुआ है, खुद विधायक वहां पे बना है, उसकी बेटा बहुरिया नगर पंचायत की अध्यक्ष है, भाचा जनपद पंचायत का अध्यक्ष है, और उसकी बेटी जिला पंचायत की सदस्य है। केवल पत्थलगांव विधायक का घर का परिवारवाद का ही खाली विकास हुआ है, और रोड में तो हम लोग को पूरा चलना मुश्किल हो गया है। कोई इधर विकास विकास बोलते हैं, पत्थलगांव के रोड में आकर के देखिए। जी क्या कहेंगे? मैं तो पहले आपको IB24 जनकारवा जो कार्यक्रम किए हैं, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि ये प्रोग्राम जसपुर के लिए बहुत ही खास आप रखे हैं। मेरे को इतना उम्मीद है कि इस जनकारवा से जितने भी जनता है, पब्लिक है, सबको जागरूकता होना होगा। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ विकास के बारे में कि जसपुर में अभी आप देख रहे हैं हमारे वर्तमान जो विधायक जी हैं, हमको आप बताएं कि जसपुर प्रॉपर जसपुर में कहाँ पर विकास हुआ है? ठीक है, आज साइड तो विकास बता दिए, लेकिन प्रॉपर जो मेन जसपुर है यहाँ पर कहाँ पर विकास हुआ है? पहले तो मैं आपको गिनती में बताऊंगा कि प्रधानमंत्री आवास अभी तक बहुत ही गरीब आदमी का छत नहीं बना है। ठीक है, इसके बाद आपको मैं बता रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ शासन में भूपेश बघेल का और पहले हमारे मुख्यमंत्री रमन सिंह का जो योजना था, बहुत ऐसा योजना है कि छत्तीसगढ़ शासन में बंद हो चुका है। और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आने वाला अभी चुनाव में हम प्रचंड बहुमत से चलिए चलिए हम मुद्दे जानने के लिए। जी ये एक योजना लाई है जिसका नाम है नरवा गरुआ घुरुआ, जिनका गाय 300 रखने का बात कहते हैं। आज हम लोग भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता नरवा गरुआ घुरुआ और ये पूरा बाड़ी में जाके देखे, एक भी गाय नहीं है, बैल नहीं है, एक भी कुछ भी नहीं है। एक गोठान एक बहुत अच्छी योजना है राज्य सरकार की, कहीं ना कहीं इसकी ओर प्रयास हुआ है, लेकिन गोठान को लेकर सवाल उठ रहे हैं। विधायक जी क्या कहेंगे, गोठानों को लेकर क्या कुछ प्रयास हुए हैं, क्या कुछ सफल हुए हैं, नहीं हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक अच्छी सोच के लिए कम से कम ये नरवा गरवा घुरवा बाड़ी का एक प्रोजेक्ट लेके आए। धीरे धीरे काम हो रहा है, समय लगता है, लेकिन विकास हो रहा है। और दूसरी बात मैं मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आज उनके कारण आज सन्ना को तहसील बनाया गया, सन्ना में कॉलेज खोला गया, सन्ना में हॉस्पिटल का उन्नयन किया गया, आज ये काम हमारे हो रहा है। स्वामी आत्मानंद स्कूल हर जगह पे, और आज संकल्प विद्यालय के बच्चे लोग पूरे छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल में टॉप 10 में जगह बनाया, ये हमारी सरकार की उपलब्धि। जी क्या कहेंगे? देखिए, मेरा बोलना ये है
कि चिल्लाने से कुछ नहीं होता, तथ्यहीन बातें नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना यह, पत्थलगांव विधानसभा को लेकर के अभी कोई सवाल किए थे माननीय नेता, मेरा बोलना यह है कि पत्थलगांव विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो आप भी आए होंगे, 8 साल हो गए नेशनल हाईवे को बनते हुए, जिसका दम भरते इन लोग केंद्र सरकार का दम भरते हैं, नेशनल हाईवे बनते हुए ये 8वां साल रनिंग है। इस सवाल का जवाब लूंगा मैं, तैयार रहेंगे जी। मैं एक और बात बोलता हूँ, घोटाले की बात करते हैं, रतन जोत का 1 लीटर भी डीजल निकाल पाए, वो जो मोबाइल बांटे थे रमन सिंह जी, 6 साल हुआ है, एक मोबाइल ला करके दिखा दे जो मोबाइल ये बांटे थे। एक स्थानीय मुद्दा है, पत्थल गांव से जसपुर तक की सड़क मुझे ये बताइए, 11 साल हो गए ठेकेदार बदल जा रहे हैं लेकिन सड़क नहीं बन पा रही, मैडम क्यों? सड़क तो बनेगा लेकिन छत्तीसगढ़ की सरकार में जो बैठे हुए अधिकारी लोग हैं, ये लोग केवल कमीशन खोरी कर रहे हैं और सड़क को नहीं बना रहे। लेकिन 11 साल एक बहुत लंबा समय होता है, आपको लगता नहीं कि अब तक पूरे प्रदेश की सड़कें बन जाती, लेकिन पत्थल गांव से जसपुर तक ऐसा क्या है? जब जब गोमती साहब जी आवाज उठाती है तब तक सड़क बनना चालू होता है फिर बंद हो जाता है, भ्रष्टाचारियों का आदत है, ये भ्रष्टाचार कर रहे हैं, भ्रष्टाचारियों के कारण सड़क नहीं बन रही। जी कहें, मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार की ही बात करूंगा, ये 36 वादाज है, ये गरीबों को जो 1000 का वृद्धा पेंशन देने की घोषणा की थी, आज 300 रुपया जिनको मिलता था, 350 मिलता था, वो भी नहीं मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है, वो सारा बंद हो चुका, एक बुजुर्ग आदमी को इन्होंने ऐसा धोखा दे रहे हैं, बाकी का तो बात छोड़िए। जी कुछ कह रहे थे आप? ये कांग्रेस की सरकार जो विकास के नाम पर, कोई जितना भी पूर्व सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी उसकी सभी योजना को बंद कर दिया, एकमात्र योजना गोधन न्याय योजना चालू किया है, वो भी घोटाला से पूरा भरा हुआ है। अभी पोल खोल के तहत में भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी घोटालों का जायजा लिए, उसमें एक भी गाय नहीं पाया गया, और उसमें जो बर्मी कंपोस्ट के नाम से जो खाद बनाया जा रहा है वो कूड़ा करकट को बेच रहा है लोगों के सामने। कुछ और लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। जी क्या कर रहे हैं? मैं बताता हूं विकास इन्होंने क्या किया है, जब से कांग्रेस के विधायक बने हैं तब से सिर्फ और सिर्फ जसपुर विधानसभा सिर्फ धर्मांतरित किया जा रहा है लोगों को, सिर्फ अपना वोट बैंक बढ़ाने के चक्कर में, सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरित किया जा रहा है अपना वोट बढ़ाने के चक्कर में, यही इनका विकास दिखता है। इसके अलावा आप कोई भी काम नहीं है, सिर्फ झूठ बोलने का, झूठ फरेब करने का काम किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ। धर्मांतरण एक बड़ा मुद्दा है जिस पर सवाल आया है और इसका जवाब हम लेंगे, क्योंकि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या धर्मांतरण की है। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बताइए। देखिए, पिछले 5 वर्षों में धर्मांतरण की जो स्थिति है वो पूरी दुनिया देख रही है कि छत्तीसगढ़ को किस प्रकार से सरकार के समर्थन में धर्मांतरण करने का प्रयास किया जा रहा है। डीलिस्टिंग के आंदोलन को लेकर के देश के 12 करोड़ आदिवासी सड़कों पर उतरे हुए हैं, एक शब्द इस सरकार के द्वारा इस विषय पर नहीं कहा जा रहा है कि डीलिस्टिंग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। यहाँ तीनों विधायक आदिवासी हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि डीलिस्टिंग के इस आंदोलन में उनका क्या कहना है, उनसे पूछा जाए। बिल्कुल, इस पर भी हम जवाब लेंगे। कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। बार बार धर्मांतरण को लेकर बात उठती है। जी कुछ कहेंगे आप? जसपुर जिले में, हमारे जसपुर विधानसभा में कहीं धर्मांतरण वाला है ही नहीं, कांग्रेस सरकार सभी धर्मों को समान प्राथमिकता देती है, धर्मांतरण वाला कोई है ही ऐसे मुद्दा है ही नहीं। क्यों इस तरह की बातें बार बार धर्मांतरण को लेकर आती है, मीडिया भी लगातार इस बात को लेकर? बीजेपी वालों का मुद्दा कुछ है ही नहीं धर्मांतरण के अलावा, वही लोग धर्मांतरण कराते हैं, हमारे कांग्रेस में ऐसे कोई धर्मांतरण नहीं होता है, हमारी सरकार की कोई ऐसे वो नहीं है धर्मांतरण। क्या लगता है डिलिस्टिंग को लेकर बार बार बात कही जाती है, धर्मांतरण को लेकर बार बार ये मुद्दा बनाते हैं? भारतीय जनता पार्टी के 15 साल में जितना धर्मांतरण का केस हुआ है और इस 4 साल में भूपेश बघेल जी के सरकार में धर्मांतरण का केस आया है, उन दोनों की अगर आप तुलना कर लीजिए तो सबसे ज्यादा कार्रवाई अगर धर्मांतरण के विरुद्ध भूपेश में किसी सरकार में हुई है तो भूपेश बघेल की सरकार में हुई है। और अभी 2 दिन पहले एक कांग्रेस के नेता का ही बयान आया है कि भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग फादर बन करके, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग, दोबारा बोल रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी और RSS के लोग फादर बन करके लोगों को धर्मांतरण करवा रहे हैं, और सिर्फ छत्तीसगढ़ में अगर चुनाव लड़ना है भारतीय जनता पार्टी को तो धर्म के अलावा कोई भी विषय नहीं है। जसपुर में मुझे ये कहा गया था कि विधायक जी से ये सवाल जरूर कीजिएगा कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल क्यों नहीं हो पा रही, आम जनता ने ये कहा था कि यहाँ की स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल क्यों नहीं हो पा रही है, क्यों यहाँ का हॉस्पिटल रिफर सेंटर बनकर रह गया है? देखिए, पहले की तुलना, पहले और अब
पहले यहाँ पर जशपुर में कोई अच्छा सर्जन नहीं हुआ करते थे, तो मैं डॉक्टर लेके आया हूँ, सर्जन लेके आया, तो सर्जरी वाले करने वाले डॉक्टर मुझे बोले कि बेहोशी डॉक्टर नहीं है, तो मैं बेहोशी डॉक्टर लेके आया, एनेस्थेसिया लेके आया, एनेस्थेटिक्स लेके आया, तो आज जशपुर में हर क्षेत्र में आज इलाज हो रहा है, सर्जरी हो रहा है। आज पहले लोग गुमला और रांची जाते थे, अब थोड़ा सा रुका हुआ है, थोड़ा सा मामला रुका हुआ है, और जशपुर में हर जगह पे, पहले लोधाम में भी आप अब देखें तो वहाँ पे आपका एक्सरे मशीन खराब था, उसको मैंने बनवाया, मनोरम में खराब था, उसको भी मैंने बनवाया, और आप सन्ना क्षेत्र में वहाँ भी सर अब एक्सरे मशीन चालू है। इस मंच से कमिटमेंट कीजिए कि डॉक्टरों की कमी है वो कम से कम पूरा हो। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे हो रहा है, जैसे जैसे हमको आवश्यकता पड़ेगी, हम डॉक्टरों का, हमारे छत्तीसगढ़ के यशस्वी मंत्री बहुत ही संवेदनशील हैं, वो इस क्षेत्र में काम करेंगे। वैसे भी स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत अभी जशपुर आगे बढ़ रहा है। विधायक जी ने कहा है कि डॉक्टरों की समस्या है वो दूर होगी, क्या कह रहे थे आप जी? जशपुर के इतिहास में 40 साल बनाम 4 साल जोड़ के देख लीजिए भाग पाइयों, 4 साल में जो काम हुआ है 40 साल में हुआ, आदरणीय विनय भगत जी ने किया है। जी मैं बताना चाहूंगा, इनका जब तक शासन काल था इनके जितने भी विधायक थे वो जनता से बिल्कुल दूर थे, जनता की समस्या सुनने के लिए कोई नहीं था। आज बताइए, आज इनके दो बड़े नेता हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष, सांसद मैडम कहाँ है, कहाँ बैठती है, जनता कहाँ मिलने जाए, लेकिन चलिए जी जी जी, ये जो बोल रहे हैं आज ये स्थिति है छत्तीसगढ़ी घोटाला की स्थिति में, छत्तीसगढ़ में जो घोटाला हो रहा है, जशपुर में जो घोटाला हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कमीशन खोरी काम कर रहे हैं, और ये जो बोल रहे हैं मंदिर बनवाए हैं गांव-गांव में, सिर्फ मंदिर दिखावा का मंदिर है। कुछ और सवाल लेते हैं, समय कम है, कुछ और सवाल लेते हैं जी, बताइए। सर मैं विधायक जी से पूछना चाहूंगा, जो जशपुर में पालिका बाजार बनना था वहाँ पे राजीव भवन क्यों बन रहा है? अगर पालिका बाजार में राजीव भवन क्यों बना है, बड़ा सवाल विधायक जी से, इसका जवाब लेंगे, क्योंकि वाकई में एक बड़ी समस्या है, यहाँ पे बड़ी घोषणा कांग्रेस ने की थी, क्यों पालिका बाजार वाली जगह पे कांग्रेस भवन बना दिया गया? कहाँ पे पालिका बाजार के लिए जो जगह तय की गई थी कांग्रेस भवन बनाया गया? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, पूरा विधिवत वहाँ पे कांग्रेस का भवन बन रहा है, किसी भी प्रकार का विवाद वहाँ नहीं है। मंच से कुछ वादे करने जाएंगे जनता से, एक बार फिर से चुनाव का समय आ रहा है? जी बिल्कुल, और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये एस्ट्रोटर्प की बात करते हैं इन लोग, 2003 में हमारे पिताजी स्वर्गीय रामदेव भगत जी आवेदन बनाए थे, यशस्वी मुख्यमंत्री अजय जोगी जी और खेल मंत्री संकल्प सोनी जी थे, उनके सामने बात रखे थे, और पिताजी का हैंडराइटिंग था, काला पेन से लिखा हुआ है, लेकिन 2004 में रमन सिंह आए, 18 तक 15 साल में वो स्टार्टअप क्यों नहीं बनाए? जब मैं बनाया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री बनाए, 2019 में 27 जुलाई की बात है, मैंने अंबिकापुर में बात किया था, तो आज मैदान बन के तैयार है, तो इनको तकलीफ क्यों होता है, क्यों नहीं बनाए 15 सालों तक उन्होंने स्टार्टअप? मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा, 35 साल इन्होंने राज किया जशपुर विधानसभा में, क्या ऐसी स्थिति बनी कि पूरा सुपड़ा साफ हो गया, तीनों की तीनों विधानसभा कांग्रेस की झोली में गई, इनको मनन करने की जरूरत है, हकीकत में अभी भी नहीं जान पाए, सड़क में उतरे, लोगों को जगाए, तब जाकर के जीत पाएंगे, जो मुश्किल है। मनन करने की सलाह बीजेपी को दी जा रही है, 4.5 साल में सिर्फ हमने विकास कार्य किया है जी, क्वेश्चन 4.5 साल में सिर्फ हमने विकास कार्य किया है, बीजेपी को मनन करना चाहिए, ये सलाह दे रहे हैं कांग्रेस को। 4.5 साल में केवल इन्होंने भूमि पूजन किया है, पूरे काम जो हुआ है 15 साल वो पूरा काम छत्तीसगढ़ सरकार में भारतीय जनता केंद्र सरकार की और छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार थी तब का विकास है। मैं आपको बता दूं 15-16 साल पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ था, यहाँ की जनता भूखे मरती थी। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद उन्होंने अपना घोषणा पत्र में घोषणा किया था 3 रुपया किलो फर्स्ट में चावल दिया, दूसरी बार जीती तो 2 रुपया किलो, तीसरी बार में 1 रुपया किलो और नमक फ्री, और कांग्रेस के सरकार में महुआ और सरई लट्ठा खाने के लिए हमारे माँ बाप मजबूर थे, भूखे मरते थे। भैया इन्होंने कहा कि एस्ट्रोटर्फ हमने बनाया है, सर ये कागज मौजूद है सर खेल मंत्रालय का, आप देख लीजिए, विष्णुदेव साह जी इनके विधायक जी आप भी देख लीजिए, इन्होंने कहा सर हम डॉक्टर लेकर आए, सर मैं बताना सर तो जाहिर तौर पर जशपुर जिले में समस्याओं की कमी नहीं है, मुद्दों की कमी नहीं है, और जनकारवा के इस मंच पर जनता ने मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, हम उम्मीद करते हैं कि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं वो सुलझ कर आएंगी। तो जनकारवा में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।